अगर हम लोग सामने गए और अगर कोई दूसरा, भगवान ना करे, दूसरा ब्लास्ट हो जाए तो बहुत रिस्की हो सकता है वो चीज़। अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम सबसे पहले ये 2020 को कैलेंडर से निकाल फेंकते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो एनीवे गाइस, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सब सबसे बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं ये नहीं बोलूँगा इंटरेस्टिंग है। आज का ब्लॉग में आप जैसे मुझे देख रहे हो, मैं इतना जोश के साथ आज मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने वाला हूँ आज, स्पॉट में जाके दिखाने वाला हूँ, जहाँ मीडिया ने बहुत नेगलेक्ट किया है। मीडिया ने इतना कवरेज नहीं दिया है टीवी में, इतना कुछ दिखाया नहीं है। आज भी मैं कुछ सिटी के दोस्तों से पूछता हूँ अपने कि तेरे को पता है बागजान में क्या हुआ था, तो किसी को पता नहीं होगा। मुझे बागजान, वो वेल बागजान, उन लोगों को बागजान के बारे में पता ही नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि मीडिया वालों के पास टाइम नहीं है एक्चुअली। उन लोग को तो ये दिखाना है न्यूज़ में कि सैफ अली खान ने कितना बच्चा पैदा किया, सलमान खान कौन गर्लफ्रेंड के साथ है। तो मैं आप लोग को आज दिखाने वाला हूँ बागजान का स्पॉट, जहाँ पे ऑयल गैस लीक हुआ था, जिसके कारण दो फायर फाइटर लोगों ने अपनी जान गंवा दिए थे। आई थिंक 2 महीने से ज़्यादा वहाँ पे आग लगे हुए थे, और बहुत सारे टीम फायर फाइटर के, आग बुझाने वाले टीम ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो आग शांत नहीं हो पाया। तो यस, मैं आप लोग को आज वही चीज़ दिखाने वाला हूँ। कल न्यूज़ आया कि वो आग को उन लोगों ने बुझा लिया, कि बहुत अच्छी बात है कि आग बुझ गया है, लेकिन फिर भी मैं रात को देख रहा था। मैं आप लोग को एक शॉट दिखाता हूँ। सो मेरे घर से और वो बागजान के ऑयल फिल्ट जो है वो 13 किलोमीटर होगा, लेकिन आप मेरे घर से पूरा क्लियरली आसमान में आप देखोगे तो फ्लेम जो होता है ना, जो वो जो जलता हुआ जो वोल्केनो टाइप का फ्लेम होता है, अच्छे से देख पाओगे। तो आपने वो शॉट देख लिया, आप सोच ही सकते हो कितना भयंकर आग लगा है वहां पे। तो यस, मैं आप लोग को लेके जाता हूँ वहाँ पे और आप लोग को दिखाता हूँ वो स्पॉट में। मैं तिनसुकिया में रहता नहीं हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन आया हूँ कुछ दिनों के लिए असम में। तो मैं आप लोग को जितना हो सकता है असम के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा। सो यस, प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना। तो अभी चलो, मिलता हूँ मैं आप लोगों से गाड़ी के अंदर और चलते हैं बागजान। आई थिंक तूने लाइव देखा है ना रोहन? क्या लाइव नहीं देखा है, मतलब कि चलते हुए, हाँ चलते हुए देखा है। तू ही लाइव हो गया ना? हाँ, मैं अगर फटते हुए नहीं देखा। तो फट मतलब तेरे को वहाँ पर खोना जरूरी है क्या फटते हुए? कुछ भी बोलते हैं। एनीवे, तो कितने एरिया में फैला हुआ है वो चीज़? 2-3 किलोमीटर के एरिया में। 2-3 किलोमीटर में? और कितना ऑयल वहाँ पे आग, कितने ऑयल को लगाया? 29,475 मेट्रिक क्यूब वो क्रूड ऑयल जल गया। गूगल में देखा है? गूगल में देखूंगा, कहाँ देखूंगा। आपको पता था क्या? मेरे को नहीं पता था। एनीवे, सो मैं आप लोग को डायरेक्टली बागजान में मिलता हूँ एंड वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो जो स्पॉट जहाँ पे आग लगा था। ठीक है, सो पहुँच गए हम लोग बागजान अभी, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो फ्लेम में आप लोग को दिखाता हूँ, वो लोग ने ऑलमोस्ट आग बुझा दिया है, जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है। मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ा था उन लोग ने आग बुझा दिया, लेकिन स्टिल वहाँ पे कुछ पोर्शन में अभी तक आग लगा हुआ है। तो आप लोग अगर वो ऑयल फील्ड जाते हो तो आपको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। एक्चुअली लोग जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा सामने, क्योंकि अगर हम लोग सामने गए और अगर कोई दूसरा, भगवान ना करे, दूसरा ब्लास्ट हो जाए तो बहुत रिस्की हो सकता है वो चीज़। इसलिए वो लोग कोई को भी सामने जाने नहीं दे रहे हैं। बट मैं आप लोग को फ्लेम दिखा सकता हूँ जो वहाँ पर जल रहा है, आग जल रहा है, फ्लेम ऊपर तक। वो रात को मतलब बहुत ही भयंकर लगता है। सो आप स्टिल देख सकते हो, यहाँ पर मीडिया लोग आए हुए हैं। 2 महीना हो चुका है इस इंसिडेंट को होते हुए, लेकिन स्टिल मीडिया लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है ये लोकल मीडिया, यहाँ के जो असम न्यूज़ चैनल के वो लोग हैं। आप लोग उम्मीद मत कीजिएगा कि यहाँ पे जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक या कोई भी यहाँ पे आके ये सब कवर करेंगे। उन लोगों को आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान के अलावा फुर्सत मिल जाए तभी तो आके ये लोग कवर करेंगे सब। बट चलो कोई नहीं। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा जो जगह है ना, आप वो जंगल देख रहे हो, वो जो लाइन वहाँ तक अफेक्ट हुआ था जब आग लगा था, जब इंसिडेंट हुआ था। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, ये जो एरिया है ये बर्ड सेंचुरी है और काफ़ी जानवर भी यहाँ पे मर गए थे तो जब ये मागुरी बिल बर्ड सेंचुरी। ओके, सो काफ़ी जानवर लोग, काफ़ी चिड़िया लोग मर गए थे यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब आग लगा था। क्योंकि जो एक्सप्लोजन होने के बाद धुआं निकलता है वो जानवर लोग कहीं ना कहीं ले नहीं सकते अपने अंदर, और काफ़ी इंजरीज होता है। इंसान के लिए होता है तो जानवर छोड़ ही दीजिए आप।
कितने महीने पहले आए थे यहाँ दिखने? One and a half month. तब तो आग बहुत ज्यादा होगा। तब भी इतना ही था क्योंकि अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो वो भी व्हाइट है ना। हाँ। और जब हमारा पूरा नीला आसमान था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी इन लोगों ने मुझे परमिशन दिया था कैमरा लेके जाके मैं शूट कर सकता हूँ अंदर। सो थैंक यू सो मच यार। सो यार क्या, मेरे जाने का वक्त आ गया, मैंने जितना कुछ दिखाना था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यार मैं बस मीडिया को रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप लोग असम को, आप लोग तिनसुकिया को, या फिर कोई भी स्टेट में, छोटे छोटे स्टेट में जो भी इंसिडेंट होता है या फिर कुछ भी बड़ा इंसिडेंट होता है, आप लोग नेगलेक्ट मत करो यार। आप लोग छोटे स्टेट को प्रमोट करेंगे तभी तो वो जाके आगे निकलेगा। तो एनीवे गाइस, सो मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अगले व्लॉग में। टिल देन लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताओ यार कि कैसा लगा ये व्लॉग, या फिर कुछ चेंजेस करना है मुझे व्लॉग में तो ये भी बताओ। एंड मिलता हूँ बहुत जल्द अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी, एंजॉय योर डे।